दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको राजन नेनवानी की आपबीती बताने जा रहे हैं। राजन नेनवानी, जो कि हमारे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये कहानी हमें हमारे फेसबुक पेज पर खुद भेजी है और उनके अनुसार ये उनके साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आज की ये घटना मैं अपने शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इस भयानक, दिल को दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। ये मेरे साथ बीती हुई सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम राजन है और मैं राजस्थान के अजमेर का रहने वाला हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने बुआ के लड़के की शादी में गुजरात गया हुआ था। रात को ट्रेन के लिए मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ निकला था, जिसमें मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, चाचा चाची और उनके दो बच्चे थे। ट्रेन रात के 1 बजे स्टेशन पर आई, हम सब उसमें बैठ गए और ट्रेन कुछ देर बाद वहां से चल देती है। रात काफी हो जाने के कारण हमने सोचा कि सोना ही बेहतर होगा और इसी के साथ हम सब सोने लगे। सुबह 7 बजे ट्रेन ने हमें अहमदाबाद स्टेशन पर उतारा। वहां से हमने एक टैक्सी की और सीधा बुआ के घर के एड्रेस की तरफ पहुंच गए। उनका घर एक बिल्डिंग में था जो कि फ्लैट सिस्टम की तरह था। वहां बुआ का घर 5th मंजिल पर था जो कि उस बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर था। तो सुबह जब हम सब वहां पहुंचे तो लिफ्ट खराब होने के कारण हमको सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ गया। ऊपर जाते जाते बीच में 4th फ्लोर के पास निकलते वक्त 4th फ्लोर के एक फ्लैट पर जो घर था उसका डोर बाहर से बंद था और उसमें ताला लगा हुआ था जो कि कुछ अजीब सा बड़ा सा ताला लग रहा था, जैसे अंदर कोई कुबेर का खजाना छुपा हुआ हो। इतनी शिद्दत से उसमें वो ताला लगाया गया था। शायद उस ताले को देख करके ही आज से 200 साल पुरानी यादें ताजा हो सकती थी। इतने में मैं उस ताले को देखने के लिए रुक गया, तभी उस दरवाजे के अंदर से मुझे कुछ सुनाई दिया। वो एक आदमी की आवाज लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी डरावनी भी थी, जो कि मुझसे कहने लगी, आजा अंदर मेरे पास, आजा मेरी मदद कर, मुझे यहां से बाहर निकाल। मैं घबरा गया और जल्दी से ऊपर की तरफ भागता हुआ चला गया। 2 मिनट के लिए मानो मेरा खून ही सूख गया हो कि ये अचानक मेरे साथ क्या हो गया था। मैं यही सोचने लगा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था। ये सोचकर मैं अंदर गया और सबसे मिलने लगा। वहां और भी मेहमान आए हुए थे, तो सबसे मिलकर बातें करते करते मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि सुबह क्या हुआ था। फिर कुछ देर बाद फ्रेश होकर हम सब ने नाश्ता किया और बातों ही बातों में दिन के 12 बज गए। शाम को वहां पर लेडीज संगीत का फंक्शन था, तो दिन में थोड़ा सा आराम करके हम 6 बजे फंक्शन के लिए तैयार होकर वहां जाने लगे। मैं, मेरा भाई जो कि मेरे चाचा का लड़का था, और बाकी जो मेरी दूसरी बुआ भी वहां आई हुई थी, उनके 2 लड़के, चारों बातें करते करते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जब हम 4th फ्लोर के पास से गुजर रहे थे तभी मैंने उस गेट को देखा। फिर मुझे सुबह वाली बात याद आने लगी।
हम बातें करते करते नीचे उतर आए। नीचे उतर कर मैंने अपने भाई से सुबह बीती हुई घटना बताई तो उसने हंसकर मुझसे कहा, पागल है तू, तेरा वहम होगा, चल छोड़, फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन पास ही के एक होटल में था जो घर से 10 मिनट की दूरी पर था। बातें करते करते हम वहां पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे बाकी लोग आने लगे और 7 बजे करीब फंक्शन स्टार्ट हुआ। सब लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, नाचने गाने का माहौल था। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। सबने खाना खाया और वहीं बैठकर सब आपस में बातें करने लगे, क्योंकि कल तो शादी थी तो सबने सोचा कि क्यों ना इतने टाइम बाद मिले हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं। मैं भी वहीं बैठा खाना खा रहा था कि अचानक मेरा पेट दर्द करने लगता है, वो भी थोड़ा जोरों से। तो मैंने भाई से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, लगता है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई ने बोला, ठीक है चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। तो मैंने कहा, अरे नहीं, पास ही में तो है, मैं चला जाऊंगा। तो मैं वहां से निकलकर घर जाने लगा। बिल्डिंग में आकर मैं ऊपर घर की तरफ जाने लगा कि चौथे फ्लैट पर मुझे एक लड़का उस गेट के बाहर बैठा दिखा। वो एक बच्चा था जिसकी उम्र 10 से 12 साल थी। तो मैंने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसने मुझे बताया, भैया मैं पास ही के गांव में रहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए इस घर का मालिक मुझे यहाँ रात को इस घर की रखवाली करने के कुछ पैसे देता है, वो भी पास की ही बिल्डिंग में रहता है। तभी मैंने हंसकर उससे पूछा, भला खाली घर की भी कोई रखवाली करता है क्या? इस पर मैं हंस पड़ा और मेरी नजर उस बच्चे के हाथ पर गई तो मैंने देखा उसके हाथ में एक चाबी थी, बड़ी सी। मैं समझ गया कि हो ना हो ये इसी गेट की चाबी होगी। तभी मैंने उससे कहा, क्या ये चाबी जो तुम्हारे हाथ में है इसी दरवाजे की है? उसने चाबी को छुपाते हुए बोला, हाँ यही की है। तभी मैंने उससे कहा कि लाओ अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता कि अंदर कुछ ऐसा कीमती सामान हो जिसके लिए तुम्हें यहाँ रखवाली के लिए रखा हो। अगर कुछ ऐसा मिला तो वो तुम रख कर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। तभी वो लड़का बोला, नहीं ये गलत होगा, हम किसी और के घर में नहीं घुस सकते, मालिक को पता चलेगा तो वो मुझे डांटेगा और यहाँ से हटा देगा। फिर उसको समझाते हुए मैंने कहा, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, हम जल्दी से अंदर जाकर बाहर आ जाएंगे, आओ चलते हैं देखते हैं। इतने में वो मान जाता है और उसने मेरी तरफ चाबी बढ़ा दी और कहा, लीजिए आप जाइए, मैं यहीं खड़ा होके देखता हूँ कोई आ ना जाए। मैंने भी कहा, ठीक है, और उस ताले को खोलने लगा। ताला थोड़ा जाम हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से बंद पड़ा हो। फिर काफी कोशिश के बाद वो खुल जाता है और मैं उसके अंदर जाने लगा। अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था कि घर काफी सालों से बंद हो। जगह जगह धूल मिट्टी मकड़ी के जाले फैले हुए थे। फिर मैंने अपने मोबाइल की टार्च चलाई और घर के अंदर घूमने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई और भी है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने देखा कि घर में कहीं भी कुछ नहीं था, बस पुरानी अलमारी और कुछ टेबल के। मैं वहां से बाहर आ गया, मुझे तब कुछ नहीं हुआ था। बाहर आके मैंने उस बच्चे को देखा तो वो वहां नहीं था। मुझे लगा शायद किसी काम से नीचे गया होगा, मेरा भी पेट दर्द ही कर रहा था। तभी मैंने सोचा यहीं पर चाबी रख कर चला जाता हूँ, जब वो बच्चा आएगा गेट बंद कर देगा
ये ना लगे कि मैं गेट बंद करके चाबी अपने साथ ले गया हूँ। मैं ऊपर की तरफ जाने लगा तो ऊपर पहुंचकर मैं गेट पर ही रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे भी कोई आ रहा है। मैंने नीचे की तरफ देखा तो एक लंबा सा आदमी जिसके बाल बिखरे हुए थे ऊपर की तरफ आ रहा था। देखने में तो एक आम आदमी की तरह ही लग रहा था, पर जैसे ही वो मेरे सामने आकर रुका, उसे देखते ही मानो मेरे शरीर में खून ही जम गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, खौफनाक चेहरे और बिखरे हुए बालों को देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने उससे डरते डरते थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कौन हो आप? तभी उसने एक अजीब सी डरावनी आवाज में मुझसे कहा, उस दिन मैंने तुझसे जब मदद के लिए कहा था तब मुझे ऐसे ही छोड़कर आ गया था बिना मदद किए। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसने मुझसे कहा, अब तू नहीं बचेगा, तूने उस दिन मेरी मदद नहीं की, उसका अंजाम तुझे अब बहुत महंगा पड़ेगा। इतना कहकर वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है और मैं भी डर के नाते कांपते हुए जल्दी से अंदर चला जाता हूँ। घर में एक नौकर था जिसका नाम संबोधन था। मुझे इस हालत में इतना डरा हुआ देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? तभी मैंने उससे पहले दिन से लेकर अभी तक की सारी घटना बता डाली। उसके बाद उसने मुझसे जो कहा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उसने बताया कि आज से 3 साल पहले यहाँ एक आदमी और उसका नौकर दोनों रहा करते थे। वो नौकर अपने मालिक की हर बात मानता था। एक दिन तबीयत खराब होने के कारण नौकर आराम कर रहा था और शाम को मालिक अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पर आया तो देखा सुबह जो काम नौकर को देकर वो गया था, पार्टी के सामान का इंतजाम करने के लिए वो कोई भी काम घर में पूरा नहीं हुआ था। नौकर से पूछे जाने पर उसने बताया कि मालिक, आज तबीयत खराब होने के कारण मैं काम नहीं कर पाया। इतने में मालिक का दोस्त उसे ये बोलते हुए गया, अगली बार से मेरा टाइम वेस्ट मत करना मुझे कहीं ले जा करके। मालिक से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और नौकर को गुस्से में पास ही में पड़े एक लैंप से उसके सर पर मार दिया और नौकर की उसी टाइम मौत हो जाती है और मालिक अंदर कमरे में चला जाता है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका नौकर मर गया है। सुबह जब मालिक ने देखा तो नौकर की लाश वहीं पर थी। मालिक डर गया कि मैंने इसे गुस्से में मार डाला। तभी उसने उस घर की एक दीवार में उसकी लाश को छुपा दिया और उसी दिन वहां से घर बंद करके वहां से दूसरे शहर चला गया। कुछ समय बाद वो किसी काम के चलते उस घर में आया तो उसे कुछ अजीब सा होता दिखने लगा। मालिक समझ चुका था कि ये उसी नौकर की लाश है जो उसे परेशान कर रही है। उसने घर में एक बड़ा सा ताला लगाकर पास ही की एक बिल्डिंग में रहने लगा और वहां फिर कभी नहीं आया। तुमने उस गेट को खोलकर उस आत्मा को आजाद कर दिया है। इतने में कुछ पुलिस वाले नीचे उस घर की तरफ आते हैं। आवाज होता देख हम भी वहां गए और हमें पता चला कि वो लड़का जो बाहर रखवाली कर रहा था उसकी मौत हो गई थी। हम समझ गए कि उस लड़के को उसी नौकर की आत्मा ने मारा है और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी जब सब घर पर आए हमने उन्हें सब बातें बताई और मेरी फैमिली के साथ वहां से उसी दिन निकलकर वापस अजमेर आ गया। लेकिन
उसके बाद कई दिनों तक मेरी हालत ठीक नहीं रही। कुछ कुछ तो मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था, लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। लेकिन उस नौकर की आत्मा आज भी मुझे सपने में दिखती है। कभी मुझे परेशान करती तो कभी डराती है। जब मैं इनसे परेशान हो गया तो मैं पास के एक दरगाह गया। वहां एक बाबा को सारी बातें बताने के बाद उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसे कभी मत उतारना, क्योंकि उस आत्मा का प्रकोप तुम्हारे ऊपर बना हुआ है, जो कभी भी किसी अनहोनी में तब्दील हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे, इस ताबीज को हरदम पहने रखना। अब मुझे उस आत्मा के सपने भी नहीं आते और ना ही मैं फिर कभी अपनी बुआ के घर घूमने गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की रियल सब्सक्राइबर स्टोरी, जो कि हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।